स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं आपके सबसे आप लोगों के साथ एक नजर डालते हैं खास खबरों की। राजधानी जयपुर में आज सुबह मिनीथॉन 2020 ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए महिलाएं ने दौड़ लगाई। जयपुर में सुबह 5 बजे से ही रामनिवास बाग जेएलएन मार्ग से दौड़ने वालों की पहुंचना शुरू हो चुका था। मैराथन 2020 ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस रन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और IRS रोली अग्रवाल रही। दौड़ 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 1 किलोमीटर तक की रखी गई। ममता भूपेश अग्रवाल ने दौड़ के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के आयोजक भुवनेश्वर से ही महिलाएं सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने काफी जोश देखने को मिला। इस दौड़ में अहम बात यह थी कि मॉम विद बेबी अपने बच्चों को लेकर 1 किलोमीटर तक दौड़ी। इसमें दौड़ में काफी महिलाएं अपने बच्चों को लेकर दौड़ी। ममता भूपेश ने कहा कि मिनीथॉन के बैनर तले आयोजित की गई दौड़ का मकसद ब्रेस्ट कैंसर के लिए जागरूकता पैदा करना है, क्योंकि स्वस्थ महिला होगी तो परिवार व समाज भी स्वस्थ ही होगा। राज्य सरकार की ओर से निरोगी राजस्थान का स्लोगन दिया गया है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पूरे 8 दिनों तक महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम होंगे। IRS रोली अग्रवाल ने बताया कि अच्छी शुरुआत है। सुबह से ही महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए दौड़ने से पहले कसरत व जुम्बा करती हुई दिखाई दी, 5 किलोमीटर की दौड़ लगाई। वहीं पर ब्रेस्ट कैंसर की जाँच की गई और दांतों की भी जाँच की गई। सैंडबैग होम लोन फाइनेंस लिमिटेड ने दादागिरी से कस्टमर को किया घर से दूर। राजधानी जयपुर में राव जी का बाग करतारपुरा निवासी कालूराम सैनी ने अपनी माता गणेशी देवी के नाम पर मकान नंबर 60 पर सैंड बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड से 3.5 लाख का लोन 2013 में लिया था। लगातार बैंक में किश्तें चुकाई जा रही थी, परंतु 2016 में घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से लोन का कुछ हिस्सा रह गया था, असमर्थ थे चुकाने में। उस बात को लेकर बैंक ने 61 नंबर के मकान पर सील लगा दी। कालूराम के पुत्र ताराचंद ने बताया कि बैंक से लोन लेने के बाद में लगातार किस समय पर चुकाई जा रही थी, परंतु किन्हीं कारण से घर के हालात बिगड़ने की वजह से किस्त चुकाने में असमर्थ रहे। उन्होंने कहा, बैंक में जाकर जब स्टेटमेंट मांगा, स्टेटमेंट में उन्होंने 3.5 लाख करीब बकाया राशि बताई। बैंक से उन्हें सेटलमेंट करने के लिए लेटर मांगा। लेटर में कालूराम 1.5 लाख रुपए देने की बात कही, इससे ज्यादा वह चुकाने के काबिल नहीं है। बैंक ने स्टेटमेंट नवंबर में जारी किया था, तब लगभग 3.5 लाख रुपए बताए थे, परंतु अभी फरवरी में जब उनसे सेटलमेंट लेटर मांगा तो बैंक ने उन्हें 7.5 लाख बताए और स्टेटमेंट देने से मना कर दिया, क्योंकि 60 नंबर मकान दादी के नाम से था, उस पर लोन चल रहा था। बैंक वालों ने दादागिरी करके साइड की बजाय 61 नंबर, जिसमें उनका परिवार रहता है, उस पर सील लगा दी। परिवार घर से बेघर होना पड़ा। उन्होंने बताया कि माताजी बीमार रहती हैं, सोच के लिए सरकारी सोच में जाना पड़ता है, पूरे घर को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, परिवार बिखरा सा हो गया। बैंक की दादागिरी चरम सीमा पर है, ना परिवार का रहने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना। महेश नगर थाने में परिवाद दिया। SHO बालाराम चौधरी ने आश्वासन दिलवाया कि सोमवार को बैंक के लोन लोगों को बुलवाकर यदि गलत मकान पर सील है तो उसे खुलवा दिया जाएगा और दोनों को बैठकर आपसी समझौता करवाने की कोशिश की जाएगी। फुलेरा में लाखों रुपए खर्च करने के बाद बना इको गार्डन करीब 1 माह से बंद पड़ा है, जिस पर अधिकारी मौन धारण करे बैठे हुए। फुलेरा कस्बे के रेलवे परिसर स्थित SS बंगले को लेकर रेलवे ने कुछ ही वर्षों पूर्व लाखों रुपए खर्च कर इको गार्डन का एक भव्य रूप दिया था, जो करीब 1 माह से बंद है। इस इको गार्डन में रेलवे आवासों में रहने वाले रेलवे कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक व आम जनता सुबह शाम प्रतिदिन घूमते हैं, योगा करते आते हैं, जो कि पिछले 1 माह से बंद पड़ा है, जिसके कारण इस गार्डन में आने वाले सभी लोगों को मायूस होना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद रेलवे अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। वहीं इस गार्डन में लगी घास व कीमती पेड़ भी खराब हो सकते हैं। बाउंड्री वॉल के मेन गेट पर ताला लगा हुआ है। जनता सुबह शाम परिवार सहित इसका उपयोग कर रही थी, बच्चों का भी मनोरंजन केंद्र था। इस मामले के बारे में जब स्थानीय पत्रकार ने रेलवे अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की तो अधिकारी कीर्ति कौशिक ने फोन नहीं उठाया। वहीं रेलवे अधिकारी मंजय कुमार से बात की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि शुरू में इस इको गार्डन की देखरेख व रखरखाव के लिए ठेकेदार को ठेका दिया हुआ था। उक्त ठेकेदार की अनुज्ञा पूरी होने के बाद इस गार्डन को बंद कर दिया गया। इस वीडियो में बस इतना।
जानकारी। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।